राजस्थान और मध्य प्रदेश में रविवार को आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी। तीनों राज्यों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 75 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सोमवार तक मृतकों की संख्या 41 पर पहुंच गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 13 लोगों की आकाशीय बिजली से जान चली गई। राजस्थान में भी 22 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। आकाशीय बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 41 लोगों की जान गई है। इस दौरान यूपी के कानपुर और आसपास के जिलों में 18, प्रयागराज में 13, कौशाम्बी में 3, प्रतापगढ़ में 1, आगरा में 3 और वाराणसी और रायबरेली जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि काफी संख्या में फंसे लोगों को राज्य के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इतना ही यूपी में आकाशीय बिजली की वजह से 50 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई, लेकिन इस दौरान अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 9 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई। इनमें 11 मौतें जयपुर, कोटा में 4 और धौलपुर में 3 बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा अलग अलग जिलों में भी 3 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठी हैं। मवेशियों की भी काफी संख्या में मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के लोगों को उमस और गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आकाशीय बिजली के कारण 13 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सबसे ज्यादा 7 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशीय बिजली गिरने से कुल 75 लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक ट्वीट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत से दुखी हूँ। राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। PM NRF से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि हृदय विदारक है। इस त्रासदी में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम